हिजाब पर नहीं थम रहा विवाद। अलीगढ़ में सपा नेत्री ने दी हाथ काटने की धमकी। हिजाब मामले पर सपा नेत्री का विवादित बयान सामने आया है। हिजाब मामले पर रूबीना खानम के बोल बिगड़े और हिजाब पर हाथ काट डालने की धमकी दी है। पगड़ी, घूंघट हो या हिजाब, सब हमारी संस्कृति। तो आपको बता दें कि हिजाब विवाद पर विवादित बयान दिया है रूबीना खानम ने। रूबीना खानम समाजवादी पार्टी की महानगर अध्यक्ष एवं वरिष्ठ सपा नेता अलीगढ़। ये कर्नाटक हिजाब प्रकरण का जो मुद्दा है, मैं इस पर यह कहना चाहती हूं कि ये हमारे देश की बहन बेटियों के आत्मसम्मान पर हमला है। हमारे हिजाब पर या हमारे आंचल पर हाथ डालने वालों के हम हाथ काट देंगे। अरे भारत विविधताओं का देश है, यहां पर माथे का तिलक हो या पगड़ी या हिजाब, ये सब तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। इस पर राजनीति करना निष्ठा की पराकाष्ठा है। अब ये कलयुगी रावण हमारे आंचल का, हमारे हिजाब का चीरहरण करेंगे। मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ, मैं उन्हें ये बता देना चाहती हूँ कि महिलाओं को कमजोर समझने की भूल न करें। अरे सरकार